कहीं आप टॉयलेट में खतरनाक ढंग से तो नहीं बैठ रहे हैं 4 घंटे पहले? अगर आप ये लेख टॉयलेट में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और इस चक्कर में आपको ज्यादा वक्त लग रहा है तो टॉयलेट सीट पर सही पोजीशन में बैठ जाए। अल्पविराम। एक औसत व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 6 महीने से ज्यादा का वक्त टॉयलेट में बिताता है और हर साल तकरीबन 145 किलो मल त्याग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक औसत व्यक्ति हर साल अपने शरीर के भार के 2 गुना मल त्याग करता है। अल्पविराम। ये विषय पहली बार में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। उम्मीद है अब तक आपको ये समझ आ गया कि ये विषय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि टॉयलेट में बैठने का सही तरीका क्या है? अल्पविराम। ये बात तो तय है कि हम में से हर कोई टॉयलेट में ठीक से नहीं बैठता। 20वीं सदी के मध्य में यूरोपीय डॉक्टरों की एक टीम अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में काम कर रही थी। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि वहां के स्थानीय लोगों को पाचन और पेट से जुड़ी तकलीफें न के बराबर थीं। अल्पविराम। दुनिया के अन्य कई विकासशील देशों में भी ऐसा ही पाया गया। डॉक्टरों ने पता लगाया कि ये सिर्फ खाने में अंतर की वजह से नहीं था, बल्कि लोगों के टॉयलेट इस्तेमाल करने के तरीके और मल त्याग करते समय बैठने की पोजीशन में अंतर की वजह से भी था। अल्पविराम। पश्चिमी देशों में लोग जितनी बार टॉयलेट में जाते हैं औसतन वो वहां 114-130 सेकंड बिताते हैं। इसके उलट भारत समेत कई विकासशील देशों में लोग टॉयलेट में उकड़ू होकर मल त्याग करते हैं और महज 51 सेकंड में निबट लेते हैं। अल्पविराम। विकासशील देशों के शौचालयों का डिजाइन भी ऐसा होता है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको उकड़ू बैठना होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उकड़ू बैठने वाला तरीका बेहतर है। जब हम टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो हमारी गुदा नलिका 90 अंश के कोण पर होती है। इस वजह से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। यही वजह है कि हम में से कई लोग टॉयलेट में बैठने पर तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव की वजह से कई लोगों को बवासीर, बेहोशी और यहाँ तक कि दौरे आने जैसी तकलीफें भी हो जाती हैं। तो फिर हम वेस्टर्न शैली के टॉयलेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? अल्पविराम। ऐसा माना जाता है कि पहला साधारण टॉयलेट सबसे पहले तकरीबन 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में मिला था। सन 315 तक रोम में 144 सार्वजनिक शौचालय थे और बाथरूम जाना सामाजिक चलन जैसा हो गया था। पहला फ्लश वाला टॉयलेट साल 1592 में ब्रिटेन के जॉन हैरिंगटन ने बनाया था। उन्होंने इसे द एजेक्स का नाम दिया था। इसके बाद वर्ष 1880 में थॉमस क्रेपन ने यूबेंट का आविष्कार किया और इस आविष्कार के साथ बहुत कुछ बदल गया। यूबेंट सीधे टॉयलेट के नीचे से मल निकाल देता था और इससे बदबू नहीं आती थी। अल्पविराम। इस तरह पाश्चात्य शैली के टॉयलेट यूरोपीय सभ्यता का प्रतीक बन गए, लेकिन इससे कुछ चीजें मुश्किल भी हो गईं। हम में से बहुत लोग टॉयलेट सीट पर बैठकर गुस्से में इस तरह दांत खींचते हैं और इतना जोर लगाते हैं कि हमारे नसें सूज जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अल्पविराम। ऐसा कब्ज, बदहजमी, अपच या पेट की दूसरी दिक्कतों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपियन शैली के टॉयलेट भी ऐसी समस्याओं के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। 1960 के मध्य में कोनेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलेक्जेंडर किरा ने यूरोपीय शैली के टॉयलेट्स को सबसे बुरी डिजाइन में बनाई गई चीज कहा। मशहूर अमरीकी कलाकार एल्विस प्रेस्ली के डॉक्टर का कहना था कि जिस दिल के दौरे से उनकी मौत हुई थी वो उन्हें टॉयलेट में ज्यादा जोर लगाने की वजह से पड़ा था। तो फिर इसका हल क्या है? अल्पविराम। इतनी सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का बहुत आसान सा हल है। अगर आप यूरोपीय शैली के टॉयलेट में बैठते हैं तो बस इतना कीजिए कि अपने घुटनों को 90 डिग्री के बजाय 35 डिग्री कोण पर मोड़ लीजिए। इससे आपके पेट और गुदा पर जोर कम पड़ेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। अल्पविराम। इसके लिए आप टॉयलेट में एक छोटा सा पायदान रख सकते हैं और अपने पैर इस पर टिका सकते हैं। अगर आप जल्दी में या कहीं बाहर नहीं हैं तो गोद में मोटी किताबों का एक बंडल या ऐसी ही कोई चीज रख सकते हैं, यानी किताबें और पत्रिकाएं टॉयलेट में भी काम आ सकती हैं।